गोल्ड हम इंडियंस का एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। हम सब गोल्ड से इतना प्यार करते हैं कि वर्ल्ड ओवर इंडिया गोल्ड के इंपोर्ट के लिए जाना जाता है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, क्या आपको इस फेस्टिव सीजन अपने कस्टमर को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? आपको एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या एवेन्यूज हैं जिसके द्वारा आप अपने कस्टमर को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, और उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर को सही मात्रा में गोल्ड दे सकें। हेलो दोस्तों, आई एम शोभित, आई एम अ फिनवेस्ट ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनवेस्ट ग्रोथ क्लब। वी आर एन एस्पायरिंग कम्युनिटी ऑफ न्यू एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु आर डिटरमाइंड टू चेंज हाउ इंडिया इन्वेस्ट। तो चलिए पहले बात करते हैं कि भाई ये गोल्ड को हमको क्यों समझना चाहिए और गोल्ड को एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्यों देखना चाहिए। तो अगर आप 2022 को देखें तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो ये एक एक बहुत ही शाइनिंग एसेट क्लास है जिसको आप एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जरूर कंसिडर करना चाहिए अपने कस्टमर के पोर्टफोलियो में डालने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके लिए आप गोल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते हैं अपने क्लाइंट को देने के लिए, वो ये कि गोल्ड एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मेथड हो सकता है आपके क्लाइंट के पोर्टफोलियो के लिए। ना इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। अगर आप एक या दो एसेट क्लास या जितने भी एसेट क्लास अपने कस्टमर को दे रहे हैं, वो इक्विटी हो, वो डेट हो, वो गोल्ड हो, वो रियल इस्टेट हो, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो, हमको ये समझना है कि हमारा जो पर्पस है डिफरेंट एसेट क्लास देने का अपने क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट में, वो ये ताकि किसी टाइम पे अगर एक एसेट क्लास परफॉर्म ना करे तो दूसरा एसेट क्लास का जो परफॉर्मेंस है वो आपके कस्टमर के पोर्टफोलियो के डाउन साइड को एक हद तक रोक सके। इसका मतलब क्या, जो दो एसेट क्लास का परफॉर्मेंस का कोरिलेशन है वो बहुत कम या नेगेटिव होना चाहिए। अगर आप गोल्ड को इन पर्टिकुलर देखें दोस्तों, तो गोल्ड का जो कोरिलेशन है वो इक्विटी के साथ या डेट के साथ वो बहुत ही कम है। इसका मतलब जब जब हमने देखा है कि इक्विटी नहीं परफॉर्म करेगी, गोल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। सेम वे अगर आप डेट के साथ भी हिस्ट्री में देखेंगे तो जो कोरिलेशन है डेट का गोल्ड के साथ वो भी काफी कम है या नेगेटिव है। तो इस वजह से आपको जरूर गोल्ड अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में देना चाहिए, क्योंकि गोल्ड से आपके क्लाइंट का जो वॉलेटिलिटी है इन्वेस्टमेंट का वो काफी हद तक कम हो जाता है। अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस गोल्ड का देखें तो आप ये भी समझ पाएंगे कि जो गोल्ड का परफॉर्मेंस है वो हमेशा इन्फ्लेशन से ज्यादा रहा है, तो एक बहुत अच्छा हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, और आपका क्लाइंट का जो पैसे की वैल्यू है वो ओवर टाइम कम नहीं होती। हाँ, तो इन सारे रीजनों की वजह से मैं चाहता हूं कि आप जरूर इस फेस्टिव सीजन अपने कस्टमर को प्रेरित करें फिजिकल गोल्ड के अगेंस्ट, फाइनेंशियल और फिजिकल गोल्ड ना लेके डिजिटल गोल्ड लेने के लिए या फाइनेंशियल वे में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि उनको एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पे मिल पाए। तो जब आप एक बार समझ गए कि भाई गोल्ड एक अच्छा एसेट क्लास है जहां पे अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो चलिए आप दो तीन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं डिटेल में, जो आप जिसके द्वारा आप अपने कस्टमर को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। नाउ ये जो बॉन्ड्स हैं ये जस्ट एज गुड एज गोल्ड होते हैं जो आरबीआई द्वारा मार्केट में लाया जाता है। इन बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी प्रोफाइल होती है, इसका मतलब कब ये मैच्योर होते हैं, वो 8 साल की मैच्योरिटी के होते हैं। लेकिन जो लिक्विडिटी ऑप्शन है या विड्रॉल ऑप्शन अगर हम कह सके उसको, तो 5 साल के बाद शुरू होता है। तो हर 5 साल जब का इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप आरबीआई को वापस बेच सकते हैं, लेकिन 8 साल के बाद ऑटोमेटिकली पैसा इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा और आपको जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो
तो इसका मतलब क्या है, एसजीपी में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अपने कस्टमर का इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो आपके कस्टमर के लिए टैक्स फ्री होगा। इसका मतलब अगर आज आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में अपने कस्टमर का 100 रुपए लगाया और उस समय गोल्ड का प्राइस से एक्स रुपए है, तो ये 100 रुपए का जो वैल्यू है वो मार्केट में बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जिस समय पैसा निकाल रहे हैं उस समय जो गोल्ड की वैल्यू है उसके हिसाब से आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू है या विड्रॉल वैल्यू है वो मिलती है। अगर आप 8 साल तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में रुकते हैं या आपका कस्टमर इन्वेस्टेड रहता है तो जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है उस पे आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में हर 6 महीने पे 2.5% सालाना के रेट से आपके कस्टमर को इंटरेस्ट भी मिलता है जो टैक्सेबल होता है। तो सिर्फ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है, आपको इसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है और ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके कस्टमर के लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए। अगर इसमें लिक्विडिटी का ऑप्शन जाने तो जैसे मैंने आपको बोला 5 साल के बाद आप कभी भी आरबीआई को वापस बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे पहले भी इसमें से निकलना चाहते हैं तो सारे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट रहते हैं, मतलब वहां पे ट्रेड होते हैं और आप उसको साल भर के बाद 6 महीने के बाद जब भी आपको अलॉटमेंट आता है उसके बाद जब भी आप बेचना चाहे तो आप उसको बेच सकते हैं। जैसे आप बेच सकते हैं, बहुत लोग खरीदने के लिए भी रेडी होते हैं, तो आप सेकेंडरी मार्केट से भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। आपको आरबीआई के लॉन्च करने की वेट करने की जरूरत नहीं है। तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को जरूर देखें एज एन ऑप्शन अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट देने के लिए। आपको ये समझना है कि यहाँ पे कोई भी कमीशन नहीं मिलता है, तो एज एन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको कोई एडिशनल रिवेन्यू नहीं मिल पाएगा। जो दूसरा ऑप्शन है वो है गोल्ड ETFs का, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। यहाँ पे क्या होता है कि को म्यूचुअल फंड कंपनीज एक गोल्ड को अपने वॉल्ट में रख के उसके अगेंस्ट में यूनिट्स इश्यू करते हैं और वो यूनिट्स स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड होते हैं और आप उन ETFs को खरीद सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है वो ये कि जो ETFs की प्राइस डिस्कवरी है, मतलब किस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं ये बेच रहे हैं, ये गोल्ड प्राइस पे ओनली निर्भर नहीं करता, ये डिमांड एंड सप्लाई पे भी निर्भर करता है। इसका मतलब क्या, सपोज आज गोल्ड का दाम 1000 बढ़ गया तो ये जरूरी नहीं है कि आपके ETF का प्राइस भी उस प्रपोर्शन में बढ़ेगा। अगर मार्केट में ज्यादा लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो आपने खरीदा अगर वो लेने के लिए रेडी नहीं है तो उसका प्राइस उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ता है। तो ETFs की प्राइस डिस्कवरी जो है वो काफी डिफरेंट होती है उसके अंडरलाइंग एसेट से, क्योंकि अंडरलाइंग अगर निफ्टी का ETF भी है, अगर आप एग्जांपल लें तो अगर निफ्टी का ETF 2% बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ETF का प्राइस भी 2% बढ़ रहा है, क्योंकि जितने लोग खरीदने या बेचने के लिए मार्केट में होंगे उसके हिसाब से ETFs की प्राइस डिस्कवरी होगी। तो गोल्ड ETF से के द्वारा भी आप कस्टमर को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। जो तीसरा तरीका है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का है, जहां पे मैं आपको चाहूंगा कि आप इसमें ज्यादा एनर्जी अपनी लगाएं ताकि आपको भी रेवेन्यू जनरेट हो सके। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गोल्ड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो फंड ऑफ फंड्स के रूप में आते हैं। नाउ फंड्स ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि जो भी ETFs मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं उन ETFs का म्यूचुअल फंड कंपनी एक दूसरी स्कीम बनाती है जहां पे वो खुद ETF खरीदते हैं और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स वो ETFs को डायरेक्ट ना खरीद के अपने डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड स्कीम के द्वारा खरीदते हैं। नाउ इन फंड ऑफ फंड्स में क्या होता क्या है कि आपने पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया, म्यूचुअल फंड ने ETFs में पैसे लगाए, तो यहाँ पे जो खरीदना वो बेचना होगा वो बायर सप्लायर पे डिपेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब खरीदेंगे तो आप म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदेंगे, आप जब बेचेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी को बेचेंगे, तो जो प्राइस डिस्कवरी है वो यहाँ पे एक मेथड से फॉलो होती है, यहाँ पे डिमांड सप्लाई पे डिपेंडेंट नहीं रहता और ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। आपको ये भी समझना है कि सारे जो फंड्स ऑफ फंड्स हैं
उनका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो डेट का होता है, तो 3 साल का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आप टैक्स आर्बिट्रेज चाहते हैं। इसके अलावा एक और फंड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो है डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड। नाउ एक ये ऐसा फंड है जो फंड ऑफ फंड तो है, लेकिन ये दूसरी गोल्ड माइनिंग कंपनीज में जो वर्ल्ड ओवर है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। ये आपका जो पैसा है ये सिर्फ ETFs में नहीं लगाता, ये जो है वैल्यू चेन में और डीपर जाता है, और जो कंपनियां गोल्ड को खदानों में से निकालती हैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, न सिर्फ इंडिया बट वर्ल्ड में। तो इनका टाई अप है फॉरेन के एक म्यूचुअल फंड कंपनी में जिसका नाम है BGF वर्ल्ड गोल्ड फंड। ये स्कीम है जहां पे ये यहां से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जो चौथा ऑप्शन है वो है डिजिटल गोल्ड का, आजकल बहुत फेमस हुआ है। आप अगर चाहें तो 1 ग्राम, आधा ग्राम, 500 ग्राम जो भी है डिफरेंट फिनटेक प्लेटफॉर्म से डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जहां से जिसके द्वारा आप कस्टमर को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं और क्लाइंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जो मेरा प्रिफर्ड ऑप्शन होगा वो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का होगा, क्योंकि दिस इज अ विन विन सिचुएशन। आपको भी रेवेन्यू जनरेट होगा और आपके कस्टमर को भी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाएगा, तो आप प्लीज इसको कंसीडर करें। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिस्कस करते हैं कि भैया गोल्ड में कितना इन्वेस्टमेंट कराएं क्लाइंट का। नाउ ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आपके क्लाइंट का इन बिटवीन 5-10% इन्वेस्टमेंट जो है पोर्टफोलियो का वो गोल्ड में होना चाहिए, ताकि आपके कस्टमर का जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। आप बहुत ज्यादा भी नहीं दे सकते, बहुत कम भी नहीं दे सकते, लेकिन 10-15% आपको अपने कस्टमर का गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कराना चाहिए। और दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि आपको अपने कस्टमर का पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं कराना। ओवर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब कि अगर आपके कस्टमर का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 1 लाख का है, 2 लाख का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 4-5 एसेट क्लास दें, 1-2 एसेट क्लास में सफिशियंट डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि इस दिवाली आप अपने कस्टमर को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट गिफ्ट देंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ नए आइडियाज मिले हो अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट में हेल्प करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप हमें थोड़ा प्यार दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप दें, ताकि जब भी फ्यूचर में हम कुछ नया लेके आए आप पहले हो इसको समझने के लिए, देखने के लिए। Thank you very much for joining in, and I'm going to see you next time.